नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में फेट 2021 का जो पेपर हुआ था, हम उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्रम में आए थे? ऑप्शन देख लीजिए। तो सबसे पहले फायान आए थे, उसके बाद हेंगसांग आए थे, फिर थॉमस रॉय आए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये ऑफिशियल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला पराजित हुआ था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। भारतीय इतिहास में धनंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कालीन, भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। मेगस्थनीस ने इंडिका को लिखा था। साइमन कमीशन किस पर भारत में प्रथम बार आया? 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में। निम्न का मिलान करें, इसमें कौन सा सही है? ए का दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, और गदर पार्टी बी का बन हो जाएगा, बी का बन हो जाएगा। सी मित्रा मेला का 3 हो जाएगा, C3, और D4 मित्रा मेला, BD सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट इज दिल्ली राजहरा। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों पर कौन सा जोड़ सही नहीं है? जुजला और बुर्जिल, ये गलत है। बारा लाचा सबकी कहाँ? उत्तर प्रदेश में नहीं है। रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। थागाला नीति पास और लिपु लेख हिमाचल प्रदेश, भी रॉन्ग है। तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, और एक सही है नाथला और लेप्स जलेफ ला सिक्किम में है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर, अनुमानित प्राप्ति पर। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक नाम है, तृतीयक सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत
भारत के संविधान में से क्या राष्ट्र सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राजनीति के निदेशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। जिस अपने आप से सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर बनाएगा। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं होने की वजह से 37.5 में कुल कितने 1/8 होंगे? इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। अब भारत यही 36 और 1/37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा मेरा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1932 आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के आए थे। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती, परंतु स्थानांतरण के कारण 1.2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 3 वर्षों में परसेंटेज निकालना है। 13 पड़ावों का औसत 68, पहले 7 का 63 और आखिरी 7 का 70 है, तो 7वें का पड़ाव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर कितना? 47 हो जाएगा। अब देखिए हिंदी। निम्न में से तीज का विलोम शब्द क्या है? कुंठित है। गजवन का पर्यायवाची है गणपति। कांटों से भरा हुआ बाग के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कंटका कीड़। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए बहिष्कार। जो एक पैराग्राफ दिया गया, एक पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ दिया गया है। आई क्लाइम इन टू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स, फर्स्ट एक्सटिंग्विश्ड द लाइट दैट। ये पैराग्राफ, उस पर बेस ये क्वेश्चन आंसर। मैंने उसको दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज, मच्छर मच्छर का मलेरिया हो जाए। कुत्ता से रेबीज फैलता है, मच्छर से मलेरिया फैलता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। सूरवीर, पादरी, मुनि और धर्म संगनी मेल रखते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। एक आदमी एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? उसकी सिस्टर है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? राजस्थान। करंट अफेयर है, देख लिया। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड पर। करंट अफेयर क्वेश्चन था, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा।
टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? इसका सस्पेंशन में इसका आंसर है, इसीलिए 2021 बार के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या 7.6 है? 7.6, 7.6 है। भारतीय सेना ने कश्मीर अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, विद्या बालन के नाम पर रखा है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? डीएमके ने जीता है, डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री त्रि सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना ने लागू किया है, ये योजना का क्वेश्चन है। देखते रहिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। एक करेंसी साथ रियाद किस देश की राजधानी सऊदी अरब की है? करेंसी पिछली बार 2022 में आया, 2021 में भी आया है, तो करेंसी याद करके चलें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा है। छोटा पूछा गया तो गोवा है, बड़ा पूछा गया तो राजस्थान चले जाते। और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी इसका कार्यकाल राज्यसभा कभी बंद नहीं होता, इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन 1% का 6 वर्ष का होता है। विश्व में राज्यसभा स्थगित कभी नहीं होता। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर हो, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस का क्या हुआ था? स्थापना हुई तो 24 अक्टूबर को ही उसका स्थापना दिवस मनाने लगे, बस और क्या है, कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नव कालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? उड़ीसा से। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।